का क्रैक यूपीएससी टेली हिंदी एडिटोरियल बेसिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक आर्टिकल जो कि ये व्यवसाय करने की आसानी संबंधित ये है कि इसमें किस प्रकार से चैलेंजेस भारत के सामने हैं कि जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग बढ़ रही है तो वहीं दूसरे पैमाने पर बात की जाए तो बेरोजगारी की दर भी उसी उससे बढ़ रही है ना, और साथ ही साथ भुखमरी कुपोषण जैसी भी समस्याएं साथ ही साथ हमारे पैरेलल ही चल रही है। तो यानी कि इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं कि इज एम डूइंग बिजनेस में यदि भारत यानी कि भारत की इस प्रकार से मतलब कि वृद्धि देखने को मिल रही है तो फिर इन चीज़ों पे भारत आके पिछड़ा कैसे है, तो इसी संदर्भ पे आर्टिकल जो है तो डिस्कस करते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि बात करते हैं कि एक सप्ताह में जैसे दुनिया की भी प्रसिद्ध दो फेमस जो वैश्विक संस्थाओं की रिपोर्ट आई है ना, उसमें से ये बात करते हैं कि एक जो है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी जिसमें से इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट है, और साथ ही साथ यहाँ पास जो है तो एक जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की भी रिपोर्ट आई थी ना, उससे संबंधित यहाँ पास कह सकते हैं कि इन रिपोर्ट्स में एक प्रकार से कंपेरिजन यहाँ पास सेटर ने एक प्रकार से ट्रेल में किया गया है, उससे संबंधित हम डिस्कस करते हैं। जैसे देखते हैं विश्व बैंक की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है की रैंकिंग है उसमें जो भारत का स्थान है 190 देशों में लगभग लगभग 63वां स्थान है ना, जबकि यदि पिछले वर्ष की बात की जाए तो पिछले वर्ष भारत जो था तो 77 नंबर पे था। वहीं यदि हम बात करते हैं कि भारत की जो यानी कि इसमें भारत ने इस वर्ष जो है तो इसमें 14 स्थान का सुधार किया है। भारत जो है तो 2014 से कंटिन्यू यदि बात की जाए तो भारत का जो है इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग की बात की जाए तो लगातार इसमें उछाल ही देखने को मिल रहा है ना। तो यदि हम इसी संदर्भ में यदि बात करते हैं कि इसमें से यदि व्यापार सुगमता के बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करें तो ये जो है तो 10 पैमानों पर ये सूचकांक जारी किए जाते हैं है ना, जिसमें से कुछ सूचकांक जैसे कि व्यवसाय शुरू करना संबंधित है ना, निर्माण परमिट संबंधित, विद्युत संपत्ति का पंजीकरण, ऋण उपलब्धता, अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा, करों का भुगतान करना, सीमाओं के पार व्यापार करना, अनुबंध लागू करना और दिवालियापन होने पर समाधान करना है ना। तो इससे संबंधित जो है तो इसमें जो विशेष तौर पे इन बिंदुओं को फोकस करके ये जो है तो रिपोर्ट बनाई जाती है, तो इनमें से हालांकि इसको ज़्यादा मतलब कि बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, इसके पीछे कुछ रीज़न भी ये दिए जाते हैं कि ये जो है तो रिपोर्ट जो है तो बहुत ही कह सकता है कि भारत के जैसे सीमित क्षेत्रों पर ही क्षेत्रों तक ही सीमित है। जैसे कि बात की जाए कि ये जो है तो दिल्ली और मुंबई से ही जो मतलब कि वहाँ वहीं की सिंपल पर आधारित होती है, तो इससे जो है तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो भारत की इस ज़मीनी स्तर पर जो स्थिति है तो सामने नहीं आ पाती है ना। तो ये भी इसके लिए एक प्रकार से इसको क्रिटिसाइज़ करने का भी इसको पॉइंट मतलब कि कहा जा सकता है कि इस इन पर भी इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। वही यदि हम बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में जो है तो भारत जो है तो लगातार तीसरे वर्ष जो है तो व्यापार जो बिजनेस क्लाइमेट कह सकते हैं उसमें जो है तो इसने इम्प्रूवमेंट किया है ठीक है, और जो शीर्ष जो सुधार वाली 10 अर्थव्यवस्था हैं उसमें अपना स्थान स्थापित किया है। वहीं यदि हम बात करते हैं कि सूची में भारत का अतिरिक्त जो है तो सऊदी अरब, जॉर्डन, टोगो, बहरीन, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत, चीन और नाइजीरिया भी शामिल हैं ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं कि इस सूचकांक में यदि हम भारत के बारे में और भी देखना चाहें कि इस सूचकांक में जो भारत को प्रदर्शन के आधार पर तो विशेष रूप से सराहनीय बोले तो पर्टिकुलरली कमेंडेंट जो कमेंडेबल श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया है भारत को है ना। और बात करते हैं कि भारत ने जो है व्यवसाय शुरू करने, व्यापार परमिट, सीमाओं के व्यापार, सीमा पर व्यापार है ना, और दिवालियापन का समाधान करने में के मानकों में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है ना। व्यवसाय शुरू करने, निर्माण परमिट, सीमा पर व्यापार संबंधित, दिवालियापन का समाधान। तो यदि हम बात करते हैं कि जैसे भारत ने एकल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसे व्यापार हितधारकों के लिए आयात निर्यात को आसान बना करके जो है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बदलने के में मामले में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिली है। साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं कि भारत की जो रैंकिंग है तो ये दक्षिण एशियाई एशिया के संदर्भ में बात की जाए तो इस रैंकिंग में जो भारत की जो अवस्थिति है तो उसमें से बात करें तो अनुबंधों को लागू करने और संपत्ति के पंजीकरण में जो दक्षिण एशिया का बहुत ही ख़राब प्रदर्शन रहा है ना। इन मामलों में अनुबंध लागू करने और संपत्ति के पंजीकरण में
वही बात करते हैं कि पाकिस्तान ने भी जो है तो इस 10 सुधार वाली अर्थव्यवस्था अपने स्थान स्थापित किया है। तो वही बात करते हैं कि अफगानिस्तान जैसे देशों में तो शून्य विनियामक परिवर्तन ने जीरो रेगुलेटरी चेंजेस दर्ज किया गया है ना। यानी कि इसमें इसके साथ ही साथ जो है तो बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव भी इसमें शामिल हैं, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं दर्ज किया गया है जहाँ पास। वहीं दक्षिण एशिया में जहाँ संपत्ति हस्तांतरण को पंजीकृत करने में 108 दिन लगते हैं, वहीं उच्च आय वाले जैसे OECD देश हैं उसमें भी उसमें मात्र 24 दिन में ही संपत्ति हस्तांतरण हो जाता है। इसी तरह बात करते हैं दक्षिण एशिया में वाणिज्यिक विवाद को हल करने में भी 3 वर्ष का समय लगता है, तो OECD देशों में ये विवाद आधे समय में ही खत्म हो जाता है ना। अब यदि हम एक और अन्य रिपोर्ट की बात करते हैं, तो एक रिपोर्ट अभी जैसे कि आई है युवा श्रमिकों की, जो मनरेगा में बढ़ती भूमिका संबंधित ये मतलब कि ये रिपोर्ट आई है, तो इसमें एक मतलब कि मनरेगा संबंधित विश्लेषण हुआ था। तो उसमें इसे देखा गया कि यदि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चलो ठीक है पढ़ रही है, तो फिर ये यहाँ पास एक प्रकार से एक विपरीत रिपोर्ट यहाँ पास देखने को मिलती है कि इसके अंतर्गत जैसे कि वहाँ पास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहे मतलब कि व्यापार निवेश ज़्यादा बढ़ेंगे तो उससे निश्चित तौर पर रोज़गार बढ़ने चाहिए है ना। तो रोज़गार बढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ पास देखिए यहाँ पास समस्या ये आ रही है कि जैसे कि मनरेगा में कम उम्र के जो युवा श्रमिक हैं उनकी भागीदारी बढ़ती जा रही है ना। यदि आंकड़ों पर यदि ध्यान दिया जाए तो मनरेगा के अंतर्गत लगभग 18 से 30 वर्ष के जो युवा श्रमिक हैं उनके अनुपात में लगातार वृद्धि देखने को उनके उसमें मतलब वृद्धि देखने को मिल रही है। वहीं बात की जाए कि मनरेगा में जो कार्यरत व्यक्ति हैं उसमें यदि हम 2017-18 के बाद बात करें तो 18 से 30 वर्ष के श्रमिकों की संख्या मतलब कि बढ़ी है। वहीं बात करते हैं कि जहाँ 2013-14 में मनरेगा के तहत नियोजित 18 से 30 वर्ष की युवक संख्या लगभग 1 करोड़ से अधिक थी, तो 2017-18 में घटकर के 58 लाख रह गई, लेकिन 18-19 में ये फिर से बढ़ करके 70 लाख तक हो गई थी। यानी कि पहले तो ये मतलब कि 1 करोड़ थी ठीक है, और 1 करोड़ से फिर मतलब कि इसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली, 58 लाख हो गई, उसके बाद फिर से ये बढ़ने लगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पास जो है तो 18 युवा श्रमिकों की मतलब कि संख्या जो है तो इसमें मनरेगा में बढ़ती जा रही है। इसका मतलब निश्चित तौर पर ये यहाँ इधर साइड से मनरेगा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब निश्चित तौर पर यह कि यहाँ पास जो है तो उनको रोज़गार के पर्याप्त अवसर बाहरी क्षेत्रों में नहीं मिले हैं, तभी तो मनरेगा की तरफ पलायन कर रहे हैं है ना। वही बात करते हैं कि चालू वित्त वर्ष में भी ये वृद्धि जैसे कि लगातार जारी है। यदि हम अक्टूबर 2019 तक की बात की जाए तो मनरेगा के तहत जो नियोजित युवा हैं 18 से 30 वर्ष की बात यहाँ पास हो रही है, तो उनकी जो संख्या है वो 57.57 लाख तक पहुँच गई है ना, जो कि बहुत ही एक चिंता का इसको विषय माना जा सकता है कि जो हमारी पूरी युवा श्रम आबादी जो कि मनरेगा तो खाली रोज़गार ऐसी मतलब निर्मित करने के लिए नाम मात्र के लिए किया गया था कि वहाँ पास क्षेत्रीय लोगों के लिए और बेहतर तरीके से उनको मतलब काम के लिए मतलब उनको वहाँ पास इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन यहाँ पास युवा वर्ग का इस प्रकार से मनरेगा की तरफ जाना निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है ना। वहीं हम बात करते हैं 2013-14 में जहाँ कुल मनरेगा श्रमिकों में युवा श्रमिकों का अनुपात 13.64% था, तो वो 2017-18 में घट करके 7.73 तो हुआ, लेकिन 2018-19 में ये अनुपात फिर से बढ़ करके 9.1% हो गया है ना। और यदि बात की जाए 2019-20 में तो ये आंकड़ा जो है तो 10.06 तक पहुंच गया, यानी कि कंटिन्यू बढ़ ही रहा है ये आंकड़ा। तो यदि हम इन आंकड़ों के अनुसार ये बात की जाए 2013-14 में मनरेगा का जो कार्यरत व्यक्ति की संख्या की बात की जाए 7.95 करोड़ थी, तो वही 14-15 में घट करके 6.71 करोड़ रह गई है ना। उसके बाद भी जैसे बात की जाए तो ये जो है तो आंकड़े एक प्रकार से बढ़ते गए, 2016-17 में 7.65, तो वहीं 18-19 में 7.676 करोड़ हो गई थी। तो हालांकि ये आंकड़े आपको पूरे मतलब कि याद करने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये आंकड़े जो है तो आपको एक बेहतर बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप इसको बेहतर तरीके से किस प्रकार समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मनरेगा में लोगों का शिफ्ट हो रहा है बेरोजगारी के कारण है ना, तो ये समझने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा ठीक। यदि हम देखते हैं कि जैसे चालू वित्त वर्ष के अक्टूबर 2019 तक देखा जाए तो मनरेगा के तहत जो कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या 5.72 करोड़ तक पहुँच गई है ना। अब यदि बात करते हैं कि युवा श्रम अनुपात के बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, हालांकि जो विश्लेषण रिपोर्ट है तो इसमें तो इस चीज़ का स्पष्ट वर्णन मतलब कि स्पष्ट कोई संकेत नहीं देखने को मिलते, लेकिन कुछ विशेषज्ञों के अनुसार बात की जाए तो इसका प्रमुख कारण कहा जा सकता है ग्रामीण संकट और रोजगार के अवसरों की कमी इसके लिए महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। साथ ही साथ
यदि मनरेगा के अध्ययन वाले जैसे एक एनजीओ की बात की जाए तो उसके अनुसार जो है अर्थव्यवस्था में मंदी का जो इस प्रकार का दौर देखने को मिल रहा है, तो ये जो है तो युवा वर्ग है तो एक निराशाजनक स्थिति है, और आजीविका के साधन भी नहीं है इसलिए लोग मनरेगा की तरफ रुख कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार से उसने भी कारण बताया है। यदि बात करते हैं कि विमुद्रीकरण, जीएसटी है ना, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसी जो सरकार के फैसले लिए गए हैं, तो उससे भी जो है तो अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा व्यवधान देखने को मिला है। साथ ही जो भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर 2016-17 में 8.2% के उच्च स्तर पर थी, तो वही 18-19 में वो डिक्लाइन करके 6.8% पर आ गई है। निश्चित तौर पर इनका असर जो है तो हमारी इकोनॉमी पर भी बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष तौर पर पड़ा हुआ है। यदि हम मनरेगा के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें, तो ये एक्ट जो है तो ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों की अकुशल श्रमिकों को वित्तीय वर्ष में लगभग 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। याद करना कि ये गारंटी है रोजगार की, है ना, 100 दिन का। वहीं बात की जाए, हालांकि 2019 में जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर जो है तो सूखा प्रभावित क्षेत्र तथा प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र में इस 100 दिन को बढ़ा करके 50 दिन इसमें और इंक्लूड करके 150 दिन का रोजगार प्रदान करने की बातें हुई हैं, है ना। इसमें से स्पेशल कौन कौन से हैं, एक तो डिजास्टर जो नेचुरल डिजास्टर से प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, वही सूखा प्रभावित क्षेत्र। तो वहीं यदि हम बात करते हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वन क्षेत्र में प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के परिवार के लिए भी 50 दिन के लिए अतिरिक्त रोजगार के प्रावधान को अनिवार्य किया है ना। और परिवारों के पास वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किए गए भूमि अधिकार के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो, तभी इनको इस प्रकार के लाभ दिए जाएंगे। वहीं ये बात करते हैं कि ये जो बनाया गया है, ये सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया मांग आधारित कानून है। इसका उद्देश्य जो है कार्य के अधिकार को लागू करना है मनरेगा, है ना। अब यदि हम बात करते हैं अन्य पहलू पे देखा जाए, उसी आर्टिकल से रिलेटेड यदि दूसरे तीसरे पहलू पे देखा जाए, वो तो एक तो ये सब डूइंग बिजनेस पे कंपेरिजन के तौर पे था। दूसरा यदि हम श्रम मनरेगा की तरफ जो प्लान कर रहा है युवा वर्ग का, ये था। अब तीसरी बात की जाए, भूख भुखमरी से संबंधित है ना। कि यदि हम बात करते हैं कि ग्लोबल लेवल पे बात की जाए, कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2018 में जो 119 देशों में से भारत 103वीं रैंक हासिल भारत ने की है ना। तो ये तो ठीक है, ये पुरानी स्थिति है, लेकिन यदि हम बात करके अभी हाल ही की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई है रिपोर्ट, उसमें जो भारत की स्थिति की बात की है, तो भारत इसमें से 117 में से 102वें नंबर पर आ चुका है ना। तो ये भी फिर भी ये कोई बहुत बड़ी अच्छी स्थिति नहीं, क्योंकि 119 में यदि 103 बार था, तो 117 में 102, ये कोई सुधार के तौर पर इसे नहीं देखा जा सकता है ना। तो बात की तो ये भी जो है तो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से दयनीय स्थिति ही है। यदि हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो ये जो है तो चार पैमानों पर स्पेशली बनाई जाती है। चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल मृत्यु दर और अंडर न्यूट्रिशन, है ना। तो यदि हम देखते हैं, यदि हम इसी भुखमरी संबंधित जो अन्य रिपोर्टों पे देखा जाए, तो जैसे वाशिंगटन विश्वविद्यालय ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2017 की जो रिपोर्ट आई थी, तो उसमें भी जो है तो भारत में जो मृत्यु और विकलांगता के जो प्रमुख कारण है, तो उसमें कुपोषण को प्रमुख कारण बताया गया था। वहीं बात की जाए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार, तो उसने भी भारत में लगभग 194 मिलियन लोगों को, जो कि कुल जनसंख्या का 14.5% है, उसको अल्प पोषित बताया था, है ना। अब ये बात करते हैं कि कुछ हम इन चीज़ों पे भी देखते हैं कि भारत में आखिर कुपोषण की समस्या क्यों है ना। तो इसमें देखा जाए कि जैसे कि स्वस्थ आहार, भोजन और पोषण आपूर्ति हेतु एक आवश्यक तत्व है, लेकिन जैसे कि बात की जाए भारत में पिछले कुछ सालों में काफ़ी हद तक खाद्य उपयोग के पैटर्न है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिले हैं, है ना। जैसे कि पहले खाद्य उपभोग में विविधता के लिए जैसे पारंपरिक अनाज ज्वार, जौ, बाजरा आदि इनका उपयोग में लाया जाता था, लेकिन अब इनका उपभोग बिल्कुल ही कम हो गया है ना। वहीं जैसे पारंपरिक अनाज, फल, अन्य सब्जी के उत्पादन कमी के कारण इनकी खपत भी कम हुई, जिससे खाद्य पोषण सुरक्षा प्रभावित हो गई है। वहीं देखा जाए कि आज़ादी के बाद से जैसे खाद्यान्न उत्पादन में 5 गुना तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुपोषण का मुद्दा अभी भी चुनौती बना हुआ है ना। यानी कि इसमें कोई खास प्रगति देखने को नहीं मिली। भले ही हम आज खाद्यान्न के मामले आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन हम पूरी तरह से भुखमरी जैसी समस्याओं को हमने पूरी तरह से मतलब कि उसमें नहीं सफलता हासिल की है। यदि बात की जाए कि अमर्त्य सेन के शब्दों में यदि बात की जाए, तो अमर्त्य सेन ने कहा भी है कि जैसे भारत के संदर्भ में यदि बात की जाए, तो यहाँ पास जो है तो संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि यहाँ पास जो संसाधनों का अनुचित तरीके से
डिस्ट्रीब्यूशन है ये यहाँ पास भुखमरी जैसी समस्याओं को जन्म देता है ना। वही बात करते हैं भारत में भुखमरी की समस्या वास्तव में खाद्य की उपलब्धता न होने के कारण बल्कि देश में मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल की भी एक मुख्य समस्या है। वहीं जनसंख्या कुछ वर्गों की खरीद क्षमता में कमी एक प्रमुख समस्या है ना, क्योंकि ये वर्ग जो है तो पोषक खाद्य पदार्थ जैसे दूध फल मांस मछली अंडा आदि खरीदने में असमर्थ होते, इसलिए सरकार जो है तो इनको समझ में प्रोत्साहित करती है। उसके लिए सरकार ने हालांकि प्रयास भी किए, जैसे PDS हो गया है ना, मध्याह्न भोजन के जरिए भी हो गया, ICDS के जरिए, ये चीज़ें हैं। तो हालांकि सरकार इसमें प्रयासरत है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ना। अब यदि हम रिपोर्ट पे यदि मतलब कि इस आर्टिकल पे ध्यान दें तो अब जैसे कि हमने रिपोर्टों को पढ़ा, अब देखते हैं जैसे कि व्यवसाय करने की सुगमता तो ज़्यादा इसमें बढ़ी है, लेकिन देश जो है तो पिछले 5 वर्षों में जैसे इसमें जो तो इसमें सुधार देखने को मिला और सरकार देश ने 63वें नंबर स्थान हासिल किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है ना, और सरकार का लक्ष्य भी किसे 50वें रैंक तक हासिल मतलब कि पहुँचाने का प्रयास है। तो यदि बात की जाए अन्य रिपोर्ट पे जो विश्व भूख सूचकांक है तो इसमें जो है तो इसी समय में भारत जो है तो 9 रैंक नीचे खिसक करके 102वें रैंक पर पहुंचने की है ना, यानी कि एकदम कंट्राडिक्शन यहाँ पास देखने को मिल रहा है ना। वहीं अगर व्यापार की सुगमता इस काल में इतनी ही बढ़ी है तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अलावा यदि बात की जाए सामान्य ज्ञान से नतीजा तो यही निकलता है कि रोजगार बढ़ना चाहिए, लेकिन भारत सरकार के नरेगा कार्यक्रम जो था है ना, तो उसकी बात करिए तो उसमें जो कामगार युवा थे 18 से 30 आयु वर्ग के, उनका एक गांव की ओर पलायन एक प्रकार से बढ़ता जा रहा है। तो भारत सरकार के हम लेबर लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट में भी बात करें तो उसमें भी बेरोजगारी की बढ़ती हुई उसकी मतलब की बात की गई थी, पुष्टि की गई थी। और सरकार के जो PLFS रिपोर्ट आई थी तो उसमें भी जो है तो बेरोजगारी की बात की जाए तो लगभग 6.1% बेरोजगारी उसमें भी मतलब कि देखी गई थी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या वर्तमान समय में बात की जाए तो भारत के लिए रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे उभरा है ना। फिर ये भी प्रश्न उठता है कि अगर व्यापार के अवसर है ना, व्यापार के अवसर बेहतर हुए हैं लेकिन भूख से लड़ने में बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी जो कि हमसे बेहतर स्थिति में इस मामले में भूखमरी से निपटने के मामले में, तो क्या सरकार को प्राथमिकता अपनी बदलनी होगी क्या? यहाँ पास क्वेश्चन रेस किया है राइटर द्वारा है ना। तो व्यापार के बेहतर अवसर हमारे युवा को 5 साल से रोजगार नहीं दे सके हैं तो फिर क्या मतलब किस प्रकार का फिर व्यापार का अवसर है? आखिर व्यापार के अवसर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत इंप्रूव किस लिहाज से कर रहा है ताकि यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज़्यादा यहाँ पास लोग मतलब कि कंपनियाँ खुले ताकि लोगों को ज़्यादा एक प्रकार से रोजगार जनरेट हो। लेकिन यदि इस प्रकार के हम खाली ईज ऑफ डूइंग में इम्प्रूव करते जा रहे हैं लेकिन रोजगार ज्यों का त्यों बना है बल्कि और उसकी स्थिति दयनीय स्थिति होती जा रही है तो फिर किस काम का फिर ये है ना। तो उधर अन्य देशों के मुकाबले यदि बात की जाए भूख और कुपोषण से लड़ना सरकार की प्राथमिकता न होने से देश के जैसे बच्चे हैं तो वो उम्र के हिसाब से जैसे कम लंबाई है ना और लंबाई के हिसाब से कम वजन, चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग के मामले भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं है ना। वहीं जो है तो यानी कि जो भारत का भविष्य ही ये तो एक प्रकार से अधर में दिखता है। वहीं बात की जाए जैसे चीन की बात करें तो चीन ने जैसे युवा आबादी का लाभ लेने के लिए लगभग 2 दशक तक स्वास्थ्य और शिक्षा में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया था है ना, निवेश उसने इसी मामले में सबसे ज़्यादा किया था जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा है। लेकिन 2017 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी हालांकि यहाँ पास स्वास्थ्य क्षेत्र में 2.5% GDP का खर्च करने की बात की थी, लेकिन यदि बात की जाए कि 2 साल से इसमें लगभग 1.65 से भी कम करके 1.24% हो गया, यानी कि जो वादे किए गए थे वो उससे जस्ट अगेंस्ट, यानी कि इस क्षेत्र में उसको एक प्रकार से कम ही करता किया जा रहा है। लेकिन जब विश्व भूख सूचकांक की रिपोर्ट आई तो स्वास्थ्य मंत्री ने भी मतलब कि इस मामले में कोई ज़्यादा अपनी प्रतिबद्धता नहीं जताई कि हम इस मामले में और ज़्यादा कुछ सुधार करेंगे। तो बात कीजिए कि भारत को जो है तो अपनी प्राथमिकता बदलनी होगी है ना, ताकि इसके पहले की जो हमारी और बुजुर्गों युवा है तो वो भी एक प्रकार से उसकी भी निर्भरता का अनुपात जो है तो एक प्रकार से बढ़े और युवा आबादी को जो भरपूर लाभ लेने से हम चूक जाएं तो स्वास्थ्य और शिक्षा में अपेक्षित निवेश हमें करना ही होगा है ना। जब तक हम इनमें स्वास्थ्य और शिक्षा में अपेक्षित निवेश नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है तो हम भारत जो है तो अपने जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं और साथ ही साथ SDG के जो गोल 30 हैं 2030 तक इसको अचीव करने की, इसमें भी भारत बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगा है ना। तो इसलिए व्यापार के बेहतर अवसर के लिए शिक्षित और स्वस्थ समाज की ज़रूरत होगी, तभी व्यापार के लिए उचित अवसर का भी लाभ मिल सकेगा है ना। तो बस इस आर्टिकल में इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।